मैं अब्दुल समी और मेरे साथ आज सफदर अली हैं न्यूज़ वन स्टूडियो में, जो कि न्यूज़ वन स्टूडियो के एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं और काफ़ी अरसे से OLCT के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज हम चंद सवाल करते हैं सफदर भाई से। सफदर भाई, मेन सवाल यहाँ पे यही बनता कि आपको MIM से अगर ऐसी क्या दुश्मनी है। देखिए भाई, पहली बात तो MIM से कोई दुश्मनी ले सकता क्या OLCT पुराने शहर में? सिंपल से जो है मुतालेबात है, सिर्फ पब्लिक वेलफेयर की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ के नौजवानों की रोजगार की बात करते हैं। OLCT में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसकी जो है अच्छी कंडीशन होना, हर किसी को जो है इक्वली वेलफेयर मिले उसकी हम बात करते हैं। तो ऐसा कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं है, ना कोई पर्सनल है किसी से, सिर्फ जो है बेसिक बुनियादी जो हुकूक है, जो राइट्स है वो मिलना है उसके ऊपर, उसके बिना पे जो है मैं सवालात उठाता हूँ या डिस्कशन करता हूँ। मीडिया पे अक्सर ये बताया जा रहा है कि आप BJP के एजेंट है या RSS के, BJP के नॉर्मली, मतलब फेसबुक पे तो आपका फोटो के साथ आ गया था, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? खैर, मैं फ्री था, आप भी फ्री थे, तो हम सोचे चलो फ्री है तो कुछ कर ही लेते। और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लोग जो है मुझे BJP का एजेंट या फिर RSS का एजेंट, एक सियासी जमात के लोग जो है तोहमत लगा रही हैं, जो भी है बहरहाल, तो देखिए OLCT की जो सियासी जमात है उनकी पॉलिसी ये होती है कि जब भी आप जो है डेवलपमेंट पे सवाल करेंगे, जब भी जो है आप पब्लिक वेलफेयर की बात करेंगे या जो OLCT में जो इश्यूज है उसकी अगर आप बात करेंगे, तो आप पे दो टैग लगना लाजिम है। एक जो है मुनाफिक, कि आप मुनाफिक हो गए, दूसरा जो है आप BJP के एजेंट। तो ये इनकी पॉलिसी रही है, कोई नई बात नहीं है। तो मैं सोचा कि हम फ्री है तो क्यों ना, खैर अब लोग भी काफ़ी मुझे फ़ोन करे, मैसेज करे कि भाई क्या सच है क्या झूठे, तो मैं बोला चलो ठीक है, जब फ्री है तो बना ही लेते इस पर भी कुछ। तो देखिए इस तरीके की ये चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम OLCT में, जैसा बरसात का मौसम चल रहा, काफ़ी लोगों के घरों में पानी घुस रहा, या ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा बस्तियों में, बहुत सारे इश्यूज़ है। अब वो अगर कोई रेस करा तो उन्हें BJP का एजेंट बन जाता। रोडा खराब है, पॉथ होल्स है, हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता कि माइनर इंसिडेंट ना हो, कुछ ना कुछ गाड़ी पे कोई गिर जा रहा या तकलीफ हो रही लोगों को चलाने में, उस पर्टिकुलर इशू को आप रेस करोगे तो आप BJP के एजेंट बन जाते। ठीक है, OLCT में गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत अच्छी नहीं है, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो तरीके की जो है क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में होनी चाहिए, उस तरीके की नहीं हो रही। अगर उस पर आप बात करोगे तो आप BJP के एजेंट बन जाओगे। हेल्थ सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर उस पर आप सवाल करेंगे तो आप BJP के एजेंट बन जाएंगे। तो ये बचकाना भी नहीं बोलूँगा, बच्चे भी आजकल जो है बहुत अकलमंद है और काफ़ी जो है उनमें शऊर है, तो ये एकदम नादानी जैसी हरकतें हैं। क्योंकि कैसा होता है, देखिए यहाँ पे OLCT की सियासी जमात जो है उनका डेवलपमेंट से और उनके मुरीदों का लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं, तो जो मुंह में आया जो है डाल दो। अब इतना ही BJP के एजेंट कौन है, RSS का एजेंट कौन है, इनू है बोल के, तो अगर उसकी अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप, मैं अगर बताऊं कि भाई कौन है BJP का एजेंट, ठीक है, लोग मेरे को मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए, नहीं तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बैठ के ये फालतू सब्जेक्ट पे बात करूं। तो BJP का एजेंट अगर आप देखेंगे कौन है कौन नहीं, तो आपको जो है मैं ये बता दूं कि हमारे हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब फिलहाल जो उनको सिक्योरिटी मिली है भारतीय जनता पार्टी मरकज़ में है BJP की सरकार, तो असद ओवैसी साहब जो सिक्योरिटी लेके घूमते हैं जो उनको दी गई है, तो वो भी अमित शाह की है, और उनके मुरीदा हमको BJP का टीम बोल रहे हैं, BJP का एजेंट मुझे बोल रहे हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रहा था कि असद ओवैसी साहब का दिल्ली में एक मकान भी है, वो मकान किसने दिया, BJP ने दी, मरकजी हुकूमत में MP को दिया ना एक मकान, और इन्हों हमको बोलते हैं कि आप BJP के एजेंट हो। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। देखो अकबर ओवैसी साहब का भी एक स्टेटमेंट है कि RSS का टिल्लू, RSS का टिल्लू। अब जब RSS का टिल्लू जो है, अब जाके जो है चाइल्डहुड फ्रेंड बन गया उनका। I told sir, he's a very old friend of mine, sir. My childhood friend is sitting there, sir. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इनको खुद को नहीं समझ नहीं आ रहा फिल्म, और इन्हों क्या कर रहे हैं, हमारे को BJP का एजेंट जो है इन्हों बना दे रहे हैं। दूसरी एक और लॉजिक की बात ये बताओ कि गोशा महल जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे BJP के MLA राजा सिंह है, ठीक है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस पार्टी का हेडक्वार्टर आता दारुसलाम,
आज तक असद ओवैसी साहब जो है गोशा महल से उनका कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं खड़ा करे राजा सिंह को हराने, ठीक है। और क्या बोले तो फिर हम बीजेपी के एजेंट हो गए। भाई दोस्ती तो आप नहीं बाह रहे, असद ओवैसी साहब के बेस्ट फ्रेंड कौन है? जी किशन रेड्डी साहब। काफ़ी तस्वीर है, मिलते हैं जुलते दावतों में। अब हाल ही में एक पुरानी जो तस्वीर भी है 2016 की, क्योंकि मीडिया है जिम्मेदारी है कि हम जो है वो बताएंगे, कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, तो हमने भी फैक्ट चेक किया कि 2016 की एक फ़ोटो है स्मृति ईरानी के साथ असद ओवैसी साहब की। तो बहरहाल वो पार्लियामेंट में दूसरे MPs के साथ भी मीटिंग थी, उसी के दौरान जो है पावर लूम जो स्टेक होल्डर्स थे, जो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल थी, उनकी मीटिंग थी, तो उसमें काफ़ी MPs आए थे। तो असद ओवैसी साहब और जो है स्मृति ईरानी तो उस वक्त की तो यूनियन मिनिस्ट्री में थी बीजेपी के, तो उनके साथ की तस्वीरें हैं, चलते हुए फिरते हुए बात करते हुए, वो क्या बात कर ले रहे थे कि वो खार साहब जाने उन्होंने जाने। तो बीजेपी के MPs के साथ MLAs के साथ आप मिल जुल रहे हैं, फ्रंट पे मिलते हैं, बैक में मिलते हैं, ठीक है। UP इलेक्शंस हुआ, रिजल्ट उठा के देख लिया आप, इससे पहले जो UP इलेक्शंस हुआ तो 100 सीटों से उम्मीदवार थे साहब, पूरी जमानत जब्त हो गई। फायदा किसको हुआ? भाजपा को हुआ। आप पूरा डेटा उठा के देखिए इलेक्शन के वेबसाइट से, आप जहाँ जहाँ ये इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वहाँ वहाँ भाजपा जीतती है। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो है इनसे है, इनू उनसे है, ठीक है ना। जब तक बीजेपी का वजूद है इनका वजूद है, जिस दिन बीजेपी चले गई इनका भी वजूद चले जाता। तो होना तो ये चाहिए कि जिस तरीके से इजरायली प्रोडक्ट्स को हम बायकॉट करते हैं, हम उनकी सर्विस नहीं लेते, हम बेजार आ गए, आपकी कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो असद ओवैसी साहब को भी चाहिए कि आप पूरी सर्विसेज को आप बायकॉट करो ना। आप तनख्वाह लीजिए मरकजी हुकूमत से बीजेपी की, ना आप अमित शाह की सिक्योरिटी लीजिए, ना वो घर लीजिए दिल्ली वाला, ठीक है। आप ये सब चीज़ें बायकॉट करिए आप, तब हम माने कौन है बीजेपी का एजेंट कौन नहीं है। जी सदर भाई, दूसरा सवाल ये है कि कल मेरे मतलब मैसेज ये आया था मेरे को एक जी, कि ये फ्लड का जो भी घरों में पानी घुस जाता है गरीबों को, अर्बन एरियाज या तो रूरल एरियाज में, तो एक जियो गवर्नमेंट का जियो है जिसमें मतलब गरीबों को अलग अलग उसके मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स है जी जी जी, इसका कुछ कॉम्पनसेशन भी मिलता क्या? बराबर मिलता है। देखिए पहली मर्तबा नहीं है, हर साल मिला है। 2020 में भी जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स हुआ या फिर NDRF की तरफ से भी, उस फंड के एलोकेशन में क्या होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तेलंगाना गवर्नमेंट एक जियो जारी करती है कि जिससे जो भी फ्लड से जिसका भी नुकसान हुआ है बाढ़ की वजह से, उनको एक मुआवजा कंपनसेशन, या किसी की डेथ हो गई है तो उसको जो है एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। तो अब ये जो आप बोले तो उस पर यही मैं बोलूँगा कि जो जियो जो रिसेंटली जो जारी हुआ उसमें अर्बन एरियाज़ के ताल्लुक से कुछ भी नहीं था, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जाहिर सी बात है किसानों के पास जानवरें होती है, भेड़ बकरियां पालते हैं, उसका नुकसान हुआ रहेगा। लेकिन अर्बन एरियाज़ में तो भेड़ बकरियां जानवर ये सब नहीं पालते हर कोई, तो यहाँ पे भी बाढ़ का पानी तो आता है घरों में लोगों के, ओल्ड सिटी पुराने शहर में भी आता है, न्यू सिटी में भी काफ़ी घरों में आया है। तो वैसे जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर उन लोगों को कंपनसेट करने, उनको मुआवजा देने के लिए 10,000 रुपये ही सही देना चाहिए था, जो नहीं थी, अब तक नहीं उठाई है सवाल। तो ना न्यू सिटी के MLA ने उठाया, ना न्यू सिटी के MP ने उठाया, सिकंदराबाद MP भी नहीं उठाया इस बारे में। अगर चाहे तो, अगर जो भी सियासी जमात है यहाँ पर, जो भी पावर में है, अगर ये लोग चाहे तो क्या गरीबों को पैसे दिला सकते हैं? बराबर दिला सकते हैं, इनका काम ही यही है नुमाइंदगी करना, चीफ मिनिस्टर के सामने जाके इनको नुमाइंदगी करना चाहिए। असद साहब अगर चाहते तो एक ट्वीट कर सकते हैं। असद साहब कहाँ कहाँ की UP गुजरात पे ट्वीट करते हैं, ओल्ड सिटी में नहीं कर रहे हैं ट्वीट? असद साहब को चाहिए था कि साहब जो है ओल्ड सिटी हैदराबाद में भी काफ़ी जो है घर जो है फ्लड की वजह से मुतासिर हुए हुए हैं। जो जियो के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो डिजीज की फैमिली है उसको 5,00,000 रुपये, जिसकी मौता होगी उसके घर वालों को 5,00,000, उसके अलावा जो 2 पॉइंट्स है, जो जानवरा मर गए, बैल है, गाय है या बकरियाँ हैं, तो उनका जिक्र है उसके अंदर। घर में पानी जाने से लोगों का जो सामान बर्बाद हो गया, बच्चों की किताबें है, स्कूल बैग्स है, लोगों के कपड़े होते हैं, फर्नीचर है, मैट्रेस है, बेड है, बिस्तर है, ये काफ़ी चीज़ें नुकसान हो जाता, तो उसका कंपनसेशन नहीं मिला। 2020 में मिला था, ये वक्त ऐसा कुछ पर्टिकुलर जो है इंस्ट्रक्शन नहीं आया। उसी के साथ मैं ये भी बता दूँ कि सिर्फ पॉलिटिशियंस की यहाँ पे फेलियर नहीं बोलूँगा मैं, जो गवर्नमेंट मशीनरीज में जो IS ऑफिसर्स है, अभी मैं समझता हूँ चीफ स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जो है हमारे अरविंद कुमार IAS, तो उनको भी चाहिए था कि CM साहब को वो बोलते कि साहब ये आप जो पॉलिसी बनाए जियो की, ये रूरल एरिया के लिए है, तो रूरल के अलावा जो है अर्बन एरियाज में भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है फ्लड को लेके, मानसून को लेके, तो उनके लिए भी कुछ जो है बताइए, उनकी भी जिम्मेदारी थी ये बता दें।
तो एंड में देखो मैं यही बोलूंगा भाई के ये कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी बी टीम है, खैर ये सियासी डिस्कशन है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है ये, मेरे हिसाब से तो फालतू सब्जेक्ट है ये। असल मुद्दा ये होना चाहिए कि पब्लिक के इश्यूज की बात हो, वेलफेयर की बात हो, हम खुद जो है दावत देते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है ये चीज़ों पे बात करने, इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली कैसे आएगी, इस पर अगर आप बात करिए तो ये ज़्यादा जो है बेहतर होगा। तो नाज़रीन हम भी यही चाहते हैं कि बजाय इसके कि एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा लेके ये बीजेपी की ए टीम है, बीजेपी की बी टीम है, इसको छोड़कर थोड़ा सा ऊपर उठकर पब्लिक इश्यूज पे बात करें, जैसा कि एजुकेशन है, रोजगार है और मेडिकल फैसिलिटीज है। न्यूज़ वन यही चाहती है कि ऐसे पब्लिक इश्यूज हमारे जरिए हम हुकूमत तक पहुँचाएँ।